हेलो आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गोंड आर्ट ट्यूटोरियल का 8th डे है। लास्ट वीडियो में हमने देखा जाना कि गोंड आर्ट किस तरह से बकरंग के कपड़े पर करते हैं। पहले मैंने पेंसिल से डिज़ाइन बनाया, फिर पत्तियों को कलर किया। इस तरह से मैंने पैटर्न तैयार कर लिया है। इस ट्यूटोरियल में हम बने हुए पैटर्न के ऊपर कुछ यूनिक वर्क करेंगे, फाइनल टच देंगे। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है। व्हाइट कलर से मैं इस तरह पत्तियों पर लाइनिंग वाली डिज़ाइन भर दूंगी। आपको जो भी चाहे, जिस तरह के आपके लीफ हैं उस हिसाब से अपने पैटर्न डालें, क्योंकि अगर छोटे हैं तो उसमें हम इसी तरह लाइनिंग वाले पैटर्न अच्छे बैठते हैं। दूसरी पत्ती में आप इस पैटर्न को भी ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह मैंने ब्रांच में पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। बने हुए पैटर्न को आप ध्यान से देख भी सकते हैं। यहाँ मैंने हिरन को कलर करने के लिए ऑरेंज कलर लिया है। पेपर पर कलर भरना आसान होता है, मगर बकरम के कपड़े पे आपको कलर अंदर तक पोर करना होता है, नहीं तो आपकी जो बकरम के वटने से वो आपको दिखने लगेंगे। कलर करने के बाद फाइन ब्रश से ब्लैक कलर के द्वारा मैं यहाँ पे लाइनिंग करने वाली हूँ, जो कि आउट लाइनिंग है। पेपर पे पहले भी आउट लाइनिंग कर सकते हैं, मगर बकरम के कपड़े पर लास्ट में ही आउटलाइनिंग करने में बनता है, क्योंकि ये कपड़े पे ब्रश चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए एक बार जब आप कलर भर लें उसके बाद ब्लैक से आउटलाइनिंग करें। यहाँ मैंने दूसरे हिरन को ब्राउन कलर से कलर किया है और उसके पर ब्लैक कलर से अपने फाइन आर्ट ब्रश से मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अपने इस मैजिक डॉट पेन से मैं इसमें डॉट बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। ऑरेंज वाले हिरन में मैं रेड कलर से पैटर्न बना रही हूँ। ये पैटर्न गोंड आर्ट की पहचान है। इस ट्यूटोरियल के जरिए हमने एक नए इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को जाना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये ट्यूटोरियल काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियो लेकर आया करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।